मैं अब आमंत्रित करता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। महामहिम राष्ट्रपति जी, धीरूभाई के परिवारजन, मंचस्थ महानुभाव भाई और बहनों, धीरूभाई के औद्योगिक प्रगति के जीवन से देश और दुनिया भलीभांति परिचित है। वे गुजरात के सपूत थे, गुजरात के नाम को विश्व में रोशन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वे सर्वांगीण विकास के पक्षधर रहा करते थे। गुजरात के विकास की चिंता वे सदा सर्वदा करते रहते थे। कच्छ सौराष्ट्र की धरती पर नर्मदा का पानी पहुंचे, ये हमेशा उनकी चिंता का विषय रहा करता था। आज जब मैं यहां प्रथम पुण्यतिथि पर पहुंचा, मैं कल शाम उनके गांव, उनके जन्मस्थान चोरवाड़ में था। और शुभ प्रसंग यह था कि नर्मदा का जल 800 किलोमीटर दूर से चोरवाड़ के लोगों को पीने के लिए पहुंचाने में हम सफल हुए। और कल धीरूभाई के गांव में उनका जो सपना था कि कच्छ सौराष्ट्र की धरती को नर्मदा का पानी मिले, कल चोरवाड़ को नर्मदा का पानी मिला। गुजरात के पूर्व छोर पर भोपाल के निकट नर्मदा है और चोरवाड़ समुद्र के तट पर है, और पाइपलाइन भी ऐसी है कि हमारे अमिताभ जी पूरे अंदर चल सकते हैं। इतनी बड़ी पाइपलाइन में हम पानी ले गए हैं। जब गुजरात भूकंप के कारण मौत की चादर लपेट के सोया था, उसी पल धीरूभाई ने गुजरात के दुख में शरीक होकर के हमारी मदद की थी। धन से मदद करना शायद बहुत लोग करते होंगे, धीरूभाई के परिवार के सभी सदस्य फिजिकली वहां आकर के दुखियारों के आंसू पहुंचने में लगे थे, और ये धीरूभाई की प्रेरणा से हुआ था। दुख की उस बेला में इस परिवार ने हमारा जो साथ दिया है, गुजरात कभी नहीं भूल सकता है। मैंने एक बार कुछ वर्ष पूर्व स्वर्गस्थ हरिवंश राय जी बच्चन जी का एक इंटरव्यू पढ़ा था। हरिवंश राय जी को पूछा था किसी ने कि आपकी सर्वश्रेष्ठ कविता कौन सी है। उनका जवाब था, जीती जागती कविता है अमिताभ। ये उनका जवाब था। मैं समझता हूं धीरूभाई ने बहुत उद्योग दिए हैं, लेकिन मुकेश और अनिल से मेरा निकट परिचय आने के बाद मैं कह सकता हूं कि धीरूभाई की उद्योगों के साथ इन दो उद्यमियों की जो अनमोल भेंट है, वो भेंट औद्योगिक विकास के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन के रहेगी, ये मेरा भरोसा है। धीरूभाई के जीवन की सफलता क्या? इतना बड़ा आर्थिक साम्राज्य, नई नई योजनाएं, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धीरूभाई की सफलता इस बात में है कि हिंदुस्तान के
औद्योगिक जगत से जुड़े हुए, व्यापारी जगत से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को पूछा जाए कि अगर तुम्हें ईश्वर मिल जाए और तुम चाहो कि तुम्हें क्या बनना है, मैं विश्वास से कहता हूँ सबके सब यही कहेंगे कि मुझे धीरू भाई बनना है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मेरे लिए तो धीरू भाई का परिवार गुजरात के विकास का पार्टनर है, गुजरात की विकास यात्रा के वो पुरोगामी हैं। उनके प्रति आदर से धीरू भाई को स्मरण करते हुए उन परिवार को भी, गुजरात आपका है, सदा सर्वदा आपका रहेगा। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।